मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम अच्छे से जानते नहीं हैं। इन महान लोगों के जीवन से कुछ हम छोटी छोटी कहानियों के जरिए काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आज ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष के जीवन की एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रही हूँ। ये कहानी है महादेव गोविंद राणा डे के बचपन की। महादेव जब छोटे थे तब एक दिन वह अकेले अपने घर में बैठे हुए थे। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना सांप सीढ़ी का खेल खेला जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस खेल को दो जन मिलकर खेल सकते थे। उन्होंने एक तरकीब लगाई और अपने साथ खेलने के लिए घर के एक खम्भे को चुना। अब खम्भा तो खेल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपने दाहिने हाथ को खम्भे के लिए और अपने बाएं हाथ को खुद के लिए पासा फेंकने के लिए तय किया। उन्होंने खेल शुरू किया। उन्होंने पहले दाहिने हाथ से यानी कि खम्भे के लिए और बाद में बाएं हाथ से यानी खुद के लिए पासा फेंका। देखते ही देखते उनका बाया हाथ उनके दाएं हाथ से हार गया, यानी कि वह एक खम्भे से हार गए। उनके इस खेल को सामने बैठे कुछ लोग देख रहे थे। वो महादेव के पास आए और हंसते हुए कहने लगे, तुम तो एक खम्भे से हार गए, तुम एक निर्जीव खम्भे से भला कैसे हार सकते हो। महादेव राणा डे ने उन्हें कारण बताते हुए कहा, उनके बाएं हाथ को पासे फेंकने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो अपने दाएँ हाथ से हार गए। लोगों ने उनसे पूछा कि फिर तुमने अपने लिए दाहिना हाथ क्यों नहीं चुना। तब छोटे से बच्चे होते हुए भी महादेव राणा डे ने जो कहा उसे सुनकर सभी भौचक्का रह गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह जानते हुए भी कि मेरा बायां हाथ इस काम में कमज़ोर है, इस निर्जीव खम्भे के लिए अपने बाएं हाथ को चुनता तो वो अन्याय होता। तो क्या हुआ, अगर मैं हार गया लोग मुझे ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने अन्याय किया। दोस्तों, महान लोगों की सोच ऐसी ही महान होती है। महादेव गोविंद राणा डे ने भी अपने जीवन के आखिरी समय तक यही सोच बरकरार रही। आगे चल के वे बहुत बड़े समाज सुधारक बने जिन्होंने समाजवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ वकालत की। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में योगदान दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये मोरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कहानी पढ़ने या सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।